हेलो गाइस, वेलकम टू एटी जी ऑन यूट्यूब चैनल। तो गाइस, यहां पर मैं आपको इस वाला वीडियो के अंदर बताने वाला हूं एक डिफरेंट वीडियो, WCC 3 स्टोरी मोड का कुछ वीडियो बनाए गाइस, गेम प्ले विद स्टोरी मोड, तो करियर मोड का। तो ज़रूर पूरा वीडियो इन तक देखना गाइस, और जो लास्ट वाले वीडियो में जो लोग कॉमेंट किए उसका भी यहाँ पर मैं शाउट आउट देने वाला हूँ। तो उसमें से कुछ लोग यहाँ पर कॉमेंट्स किए हैं, तो उनमें से कुछ कॉमेंट्स मैं पिक किया हूँ। तो यहाँ पर टॉप गेमिंग, नीलेश गजरा, चिराग, टेक्नो गेमर, सी जी गेमर, अमन उल्ला, तावल शेत, दीपांशु कुमार, आप सभी भाई लोगों को बढ़िया सा शॉर्ट आउट इस वाले वीडियो के अंदर। तो जो लोग आपके कमेंट यहाँ पर सुनने के लिए, आप लोग कमेंट कर सकते हो, हैशटैग शॉर्ट आउट बोल के यहाँ पर कमेंट लिख सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर ये स्टोरी मोड का एक छोटा सा गेम प्ले मैंने बनाया हूँ, तो री एडिट करके यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। तो करियर मोड का स्टोरी मोड कैरिबियन प्रीमियर लीग में, यहाँ पर जब हम लोग करियर मोड स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग CPL में जब ज्वाइन हुए थे, तो कैसे ट्रैवल होता है प्लेयर, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर विद डिटेल एडिटिंग यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़रूर वीडियो देख लीजिए गाइस। तो मैं आपको धीरे धीरे कमेंट्री भी दे देता हूँ यहाँ पर। तो सिंपल है गाइस, जो गेम्स यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, अवेकन लाइफ का गेम यूज़ किया है और WCC 3 गेम का यूज़ किया है, तो सब मिल के यहाँ पर कुछ स्टोरी मोड की तरह बनाने के लिए प्रयास किया हूँ गाइस। तो वीडियो तो पूरा देखना और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, जब हम सेलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पर CPL के अंदर, तो यहाँ पर हम जब ट्रैवलिंग करते हैं, ये कुछ ऐसा सीन यहाँ पर आपको मैं दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ। तो फ्लाइट का जर्नी यहाँ पर शुरू होता हुआ हमारे खिलाड़ी का, तो यहाँ पर फ्लाइट टेक ऑफ हो चुका है कैरेबियन लैंड के लिए। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर जो फ्लाइट के अंदर का जो सीन है यहाँ पर, ये देख सकते हो आप लोग, तो ये भी आपको दिखाने के लिए कोशिश किया हूँ। यहाँ पे बहुत डिटेलिंग है भाई, तो आप भी देख सकते हो। तो जो अंदर का जर्नी है फ्लाइट का, तो इसके बाद जब हम फ्लाइट टेक ऑफ और यहाँ पर फाइनल हम जब डेस्टिनेशन के पास आ चुके हैं, तो यहाँ पर फ्लाइट लैंड हो चुकी है। और यहाँ पर लैंड होने के बाद हम लोग सीधा इसके बाद होटल में जाएंगे गाइस। एक होटल रूम होती है जो हमारे टीम का बस आती है और हमें पिकअप करके जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल हम एरोप्लेन से यहाँ पर नीचे उतरते हुए ये सीन आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। और उसके बाद गाइस, यहाँ पर हमारा बंदा जो है होटल रूम में जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो पासपोर्ट वीज़ा का ऑफिस सेक्शन है, तो इसमें वेरीफाई करने के बाद तो फाइनली हम जाएंगे अंदर की ओर। तो यहाँ पर चेक सब कुछ कर चुके हैं और यहाँ पर फाइनली होटल का यहाँ पर आउटडोर का सिनारियो आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये होने के बाद फाइनली गाइस हम होटल के अंदर आ चुके हैं, रूम के अंदर। तो यहाँ पर नज़ारा आप देख सकते हो, जो हमें होटल रूम मिली है पूरे टूर्नामेंट के लिए, तो यहाँ पर ही हम रहने वाले हैं गाइस। तो यहाँ पर थोड़ा फूड भी हम खा चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए बीच में गए थे और थोड़ा रिलैक्स हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो चुकी है। तो कल दिन मैच है, तो थोड़ा यहाँ पर शांति के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। ये सब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए यहाँ पर दिन है, थोड़ा योगा, मेडिटेशन, सब कुछ यहाँ पर हम करते हुए, और इसके बाद हम सीधा यहाँ पर मैच के लिए जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर छोटा सा स्टोरी मोड ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट दिन हम मैच के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पर बस में हैं हम लोग, और फाइनली यहाँ पर स्टेडियम की ओर जाते हुए। और यहाँ पहला मैच हम जो खेलने वाले हैं नॉट वैलियंट के साथ, यहाँ पर हमारा टीम का नाम है, तो उसमें यहाँ पर हम सेलेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर पहला मैच होगा यहाँ पर BTH, मतलब हमें भी पता नहीं है करियर मोड का, कुछ फेमस नाम नहीं होते, तो यहाँ पर कुछ फोटो सेशन सब कुछ चलता है करियर मोड के अंदर कैरेबियन लीग में जब हम ज्वाइन होते हैं गाइस। और यहाँ पर फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है, डेब्यू हो चुकी है कैरेबियन लीग में। तो यहाँ पर हम किस तरह से यहाँ पर डेब्यू करेंगे तो देखना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर कैरेबियन लीग में फाइनली हम हमारा करियर स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे लोडिंग होता हुआ स्क्रीन WCC 3 का, और यहाँ पर पहला मैच ब्रिजटाउन हॉट्स वर्सेस नॉर्थ वैलियंट के साथ मैच होने वाला। हमारा नॉर्थ वैलियंट है हमारा कप्तान, देखेंगे टॉस कौन जीतेगा। तो यहाँ पर हमारे कप्तान साहब टॉस के लिए वेटिंग करते हुए, तो लेट्स सी, टॉस तो हमारा कैप्टन जीता है और पहले बैटिंग करने का यहाँ पर फैसला लिया है, तो हमें अच्छी रन बनानी है, ये तो हमेशा होती है। तो पहली बॉल यहाँ पर कैरेबियन लीग में हम फेस करने वाले हैं,
तो लेट्स सी भाई, यहाँ पर फैले गेंद यहाँ पर डालते हुए, यहाँ पर अच्छी स्वीप शॉट खेला है हमारे प्लेयर और एक चौका यहाँ पर पहली गेंद ऑफ द मार्क वीरूपा जी के स्टाइल में यहाँ पर चौका। तो ये तो अच्छी शॉट है, स्वीप शॉट मारा है पहली गेंद पे तेज़ गेंदबाज को, वो भी ये सिर्फ WCC3 में बन सकती है, रियल में भी उतना खास होती नहीं है। तो इसके बाद दूसरी गेंद भाई, तो यहाँ पर मैं सोचा हूँ कि कुछ शॉट अलग खेलूँ, तो मैंने यहाँ पर रिवर्स भी मारने की प्रयास किया, थोड़ा बहुत टाइमिंग में ख़राबी थी पर फिर भी यहाँ पर बाउंड्री चला गया। यहाँ पर एक और बाउंड्री, दो गेंदों में दो चौके मिल चुके हैं हमको, और यहाँ पर हम लोग तीसरी गेंद पर यहाँ पर कुछ अलग शॉट खेलने की प्रयास तो हम हर बार करते हो, तो इस बार हमने खट किया है, बहुत दमदार खट किया है, यहाँ पर 6 रन मिलेगा हमको। तो ये बहुत ही अच्छी स्टार्ट हो चुकी है पहली ओवर में 4-4-6, तो सब लोग उम्मीद रख के ही हमारे स्क्वाड जो भी है अच्छी स्टार्ट मिल गए, तो यहाँ पर हम लोग 50+ रन्स बनाएंगे। तो उसी समय कुछ अजीब चीज़ होती है हमसे, तो यहाँ पर हम ऐसे ही शॉट्स खेलते रहे, अच्छे अच्छे शॉट्स खेलते रहे फर्स्ट ओवर में भी। तो यहाँ पर एक और सिक्स हमने मार दिया है, तो यहाँ पर हमारा स्कोर कुल मिलके हो गया भाई, बहुत ही अच्छी शुरुआत है, 20 रन्स हम बना चुके हैं 4 गेंदों के अंदर। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर एक और शॉट खेलने के प्रयास में यहाँ पे एक और चौका हमने बटोर लिया है भाई, तो वंडरफुल बाउंड्री यहाँ पे। और लास्ट बॉल है गाइस, ओवर का लास्ट बॉल है, पहले ओवर में आपको 24 रन्स मिल चुके हैं, तो लास्ट बॉल में तो हम लोग फिर से प्रयास करने की कोशिश करते हैं एक और अच्छी शॉट बनाने के लिए। तो यहाँ पर प्रयास तो किया है बरकरार, बरसीदा गया फील्डर के हाथों में गेंद, तो हमारे डेब्यू में हम बना चुके 24 रन फ्रॉम 6 बॉल्स। तो सब लोग नाराज़ हो चुके हैं हमसे, यहाँ पर हमने इतना अच्छा स्टार्ट देके यहाँ पर आउट हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग मैच 2 का गेम प्ले देख लीजिए, तो हमारा बंदा 50 बनाएगा या नहीं आप लोगों को खुद पता चलेगा।